Good morning to all. In this video, we start exercise 12.3 of class 10th. The chapter name is Areas Related to Circles. हम लोग 12.1 and 12.2 पहले ख़त्म कर चुके हैं. इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर. देखो, हम लोगों ने इससे पहले सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, नॉर्मल जो सर्कल का एरिया होता है ना, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम लोग 12.3 के अंदर कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बट क्या है हमारे पास फाइंड करने के लिए, आपको एक ही फिगर के अंदर या मतलब जो भी एक आपको डायग्राम गिवन होगा उसमें एक या दो फिगर का कॉम्बिनेशन होगा. जैसे मतलब सर्कल के अंदर स्क्वायर हो गया या स्क्वायर के अंदर सर्कल हो गया या ट्राइंगल हो गया, है ना. तो हमें उस पर्टिकुलर पार्ट का जो हमसे पूछेगा, या तो वो शेड कर देगा उसको या फिर वो नाम दे के पूछेगा, तो उसी का एरिया निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज है ना हमारे, वो दो तीन इकट्ठे फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर, ठीक है. उसके अंदर जो हमने 12.1 और 12.2 में पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी चीज़ें यूज़ आएगी. तो 12.3 के अंदर मेनली हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉम्बिनेशन फिगर जो होते हैं उनके ही एरियाज फाइंड करना है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वो बता देती हूँ पैटर्न. जैसे मान लीजिए कि सेमी सर्कल है, ठीक है. इस सेमी सर्कल में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और आपसे पूछा कि आपको सिर्फ इस शेडेड पार्ट का ही एरिया निकालना है, ओनली दिस. तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, बट हमको ये पता है कि हम लोग निकालेंगे कैसे. ये ऐसे निकालेंगे हम लोग कि जैसे एक सेमी सर्कल पूरा लिया, उसका एरिया निकाल लिया, उस पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैंने एक ट्राइंगल को माइनस करा, भाई ट्राइंगल तो एक्स्ट्रा ओवरलैप हो रहा है उसके ऊपर, अगर उस ट्राइंगल को हटा देती हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ओनली ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बस. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमें इस तरह की हमारी जो कॉमन सेंस होता है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. अब जैसे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, उसी का पैटर्न बना के दिखाती हूँ मैं आपको कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है. स्क्वायर में से हमने ये बनाए दो सेमी सर्कल. उससे आप मतलब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आपको निकालना है ओनली इस पार्ट का एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करके उसमें से दो सेमी सर्कल को माइनस ना करके एक सर्कल को माइनस कर देंगे. क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो सेमी सर्कल मिला के एक ही सर्कल बनता है. तो स्मार्टनेस ये होती है कि आप इस पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस कर दो कि भैया ये लो, ये स्क्वायर है, मैंने एक सर्कल माइनस करा तो एरिया आ गया, क्योंकि दोनों की बात बराबर है, एरिया उतना ही आएगा अगर ये मेजरमेंट में सेम है तो. क्लियर है. हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 12.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 जो है वो आपका ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर. ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है. इसके अंदर आपको पी क्यू गिवन है, एक मिनट मैंने मार्क कर दिया इसको. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पी क्यू गिवन है 24, हमारे पास पी आर गिवन है 7. मैंने इसे लेबल चेंज कर दिया, पी क्यू आर है. तो जो हमारे पास पी आर है वो 7 है, ठीक है. पी क्यू है हमारे पास 24. ये साइड कौन सी, अगर हम ट्राइंगल देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ये है हाइपोटेनियस. तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस से हमारा जो पी आर है वो कितना आ जाएगा, सॉरी क्यू आर है वो कितना आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है. अभी कितना आ रहा है हमारे पास, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49. इट इज़ 576. प्लस करोगे आपको मिलेगा 625, और ये आ गया 25, ठीक है. अब ये देखो कि अगर ये 25 है तो ये इसकी पूरा डायमीटर हुआ 25, क्योंकि तो सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है. और अगर इसका डायमीटर 25 है तो उसकी रेडियस कितनी हुई, 25/2. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेमी सर्कल में से, पूरे सर्कल की नीड ही नहीं हमको, ये वाला पार्ट तो हमारे काम का ही नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे काम का है. तो इस पूरे सर्कल में से एक ट्राइंगल को माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सॉल्व करेंगे. ये 11 टाइम, उसके बाद ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, हमारा आंसर आएगा
अपॉन में, दैट इज़ 9046 अपॉन 56. इसको और सॉल्व कर लो, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है अभी भी. स्टिल वी गॉट 4523 अपॉन 28, और आप चाहो तो उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर है? तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि हमने इसकी हमारी अप्रोच क्या रखी है, कि पहले हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से हमने ट्राइंगल को माइनस कर दिया, और ट्राइंगल भी हमने कैसे निकाला, क्योंकि ट्राइंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री है, वो वहाँ पे दिख रहा है हमको, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी डायमीटर आ गई, तो हमने रेडियस भी फाइंड कर ली. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका. सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. मुझे खाली इतना सा एरिया निकालना है शेडेड रीजन का. इन द गिवन फिगर, इफ द एरिया ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ऑब्वियसली जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है हमारी, दैट इज़ ओ बी, वो 7 सेंटीमीटर है, और जो हमारी पूरी रेडियस है लाइक ओ सी, ये पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर. क्योंकि दो सर्कल बन रहे हैं, छोटा वाला एंड बड़ा वाला, इनर सर्कल आउटर सर्कल. इनर की है 14 सेंटीमीटर, आउटर सॉरी इनर की है 7 सेंटीमीटर, आउटर की है 14 सेंटीमीटर. देखो निकालना हमको यहाँ पे वही है सेक्टर, क्योंकि बन तो ये सेक्टर ही रहा है. क्या बोलते हैं इसको, सर्कल तो सिर्फ हमारा जो शेप है या जो भी फिगर है उसको कंप्लीट करने के लिए दिया है. तो अगर आप इस बड़े वाले सेक्टर में से एक छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दो, इतना इतना पार्ट उसका हटा दो, इसको हटा दो, मान लो शेडेड नहीं है, हटा दिया, तो हमारे पास खाली ये बचेगा, वही तो हमारी रिक्वायरमेंट है. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग निकाल लें पहले पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके बड़े वाले सर्कल का सेक्टर, एंड देन हम लोग उसमें से माइनस कर दें हमारे छोटे वाले सर्कल का सेक्टर. इसको कुछ मान लो, इसको कैपिटल आर ले लो बड़े वाले को, और स्मॉल आर ले लो, तब भी हमारी जो चीज़ है, बात है, वो सेम ही है. ठीक है, इसको सॉल्व करा, 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, 14 इंटू थीटा कितना है हमारा 40, ये सेम है बस. ये सॉल्व करा, मेरे पास इसकी वैल्यू आई 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आ जाओ इस वाले पे, सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे, बट अब हमारे पास हमारी रेडियस क्या हो गई है, चेंज हो गई है. ये आया हमारे पास 154 अपॉन 9. अब हमें अल्टीमेट करना क्या है इन दोनों को, आपस में माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 616 अपॉन 9 माइनस 154 अपॉन 9. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 462 अपॉन 9, और इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसको 3 के टेबल से कट कर लो, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 4 12, और ये आया 3, और यहाँ लगाया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है. क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ये सेम आपको मैंने भी एग्जांपल देके बताया था. ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. ये क्या है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल दिख रहा है वो हमें. आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम लोग एक सर्कल माइनस कर देंगे, क्योंकि दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बनता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो कि है हमारा सेमी सॉरी शेडेड पार्ट है ना. सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो ईजी है ना. अब अगर हमें ये निकालना है कि इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि सर्कल निकालने के लिए चाहिए पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हमको चाहिए इसकी रेडियस. ये इसकी रेडियस है सेमी सर्कल की, है ना. अगर ये पूरा डायमीटर 14 है, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हुई, 7, क्योंकि ये हाफ है. तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया. 22 into 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल. अब क्या निकालना है हमें, शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन.
ये हो गया 196 माइनस 154 कितना होता है, ये होता है हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड डीजल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फिगर या जो भी आपको दे रखा है डिज़ाइन उसको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि क्या निकालना है इसमें से, क्या मुझे मैं हटाऊँ। तो मैंने पूरा स्क्वायर में से दो सर्कल सेमी सर्कल हटा दिए, तो हमारे पास जो बचा कुचा एरिया है वो आ गया। लास्ट के अंदर माइनस तो होगा ही होगा अगर आपको एक पर्टिकुलर शेडेड पार्ट पूछा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जो पूरा फिगर है वो उसे शेड कर रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर है एक, मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल के ऊपर सर्कल है या सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, बट जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इतना पार्ट हमको नहीं काउंट करना है सर्कल का। ट्राइंगल का तो ये पार्ट काउंट होगा, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि सर्कल हमारे पास इतना ही है, ये एक सेक्टर हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगा अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है टोटल, और इसी से हमारा मिलके बन रहा है ये हमारा ट्राइंगल। ये समझ में आया आपको, और आपको ये पूरा पार्ट शेड दे रखा है, यानी कि आपको ये पूरा फाइंड करना है। ठीक है, मेजरमेंट हमारे ये रहेंगे कि जो ट्राइंगल सॉरी देखो क्वेश्चन देखो एक बार कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क, जो सर्कुलर आर्क बन रहा है ना उसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पढ़ना था मुझे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 पूरा, और 12 में से 6 जो है वो तो उस सर्कल की रेडियस ही हो गई। ठीक है, अब हम लोग हमारी अप्रोच क्या रखेंगे, पहले ये देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका फॉर्मूला होता है √3/4a². तो √3/4 ये आ गया 36√3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसका ये वाला सेक्टर। अब आप देखो दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो कि अगर ये छोटा वाला सेक्टर इसमें इंक्लूड ना करें तो ये क्या बन रहा है, मेजर सेक्टर, और क्योंकि इक्विलेटरल है तो उसका एंगल कितना है 60, और अगर ये छोटा वाला सेक्टर का जो एंगल है वो 60 है तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा 360 - 60, क्योंकि सर्कल पूरा कितना होता है 360 का, तो उसका जो सेक्टर का एंगल आ रहा है वो आ रहा है 300। तो हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला π r² θ / 360, तो π r² रेडियस कितनी है इसकी 6 θ 300 और 360, वरना हमें क्या करना पड़ता, हमको पूरा सर्कल निकालना पड़ता, उसमें से एक सेक्टर माइनस करना पड़ता। ठीक है, ये कैंसिल, 6 6 = 36, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचता है हमारे पास, ये 660 30 है ना यहाँ पे / 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस नहीं करना है, यहाँ पे हमको प्लस करना है, तो टोटल एरिया कैसा आ जाएगा दोनों का सम, क्योंकि टोटल हमको ये निकालना है जो शेडेड है, ये पूरा शेडेड ही है, तो बस इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ अरेंज करना है 660/7 + 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई करना, उसमें करना क्या है एक बार मैं आपको हिंट दे देती हूँ उस क्वेश्चन की, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको इस शेडेड पार्ट का रीजन सॉरी एरिया निकालना है। अब ये हुआ कैसे, देखो कि स्क्वायर जो है उसकी साइड है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो सर्कल कट करा उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है ना इस कट, और जो बीच वाला सर्कल है वो 2 डायमीटर का है, तो अगर ये डायमीटर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और बाकी सारे सर्कल 1 सेंटीमीटर के हैं। तो मेरे कहने का मतलब खाली इतना सा है कि अगर आप पूरा वो निकालो, क्या बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है दैट इज साइड इनटू साइड 16 तो आ ही जाएगा। अब क्या करोगे उसमें से, आप उसमें से आप 2 सर्कल माइनस करोगे, कैसे, एक तो ये सर्कल, ये तो हमको निकालना ही है बाहर क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, दूसरा हमको ये 4 क्वाड्रेंट निकालना है। आप सेक्टर वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, और अगर आप लोगों को इजी वे में करना है
तो देखो ये चार पार्ट जो है ना वो एक ही सर्कल के हैं भाई, एक क्वाड्रेंट, दो, तीन और फिर चार। तो ये जो चार क्वाड्रेंट है ये किससे मिलके बन रहे हैं, एक सर्कल फ्रेम कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल को एक साथ हटाओगे उसमें से तो क्या जाएगा आपके पास, टोटल शेडेड एरिया। क्लियर है? तो हमने इसके अंदर एक से लेकर पांच तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसके। अब जो क्वेश्चन है वो सारे बहुत थोड़े से लेंदी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं आया तो उसको मार्क कर लेना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।